लता मंगेशकर जी की सर आठ डेट हो गई, सर क्या कहना चाहोगे उसके ऊपर? बहुत ही ज्यादा दुखद बात है ये, और आई थिंक मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। इनफैक्ट जब मैं उनका देख भी रहा था, उनका शरीर जब यू नो अग्नि उनको दिए जाने वाली थी, अचानक से एक यू नो मन में आंखों में आंसू आए। एक्चुअली मैं अभी भी ज्यादा बोलने की हालत में हूँ नहीं, बिकॉज हमारे लिए म्यूजिशियंस के लिए वो एक्चुअली सरस्वती माँ ही थी, एंड उनका अचानक ऐसे मतलब कभी सोचा नहीं था कि ऐसा दिन यू नो आएगा कभी जिंदगी में जहाँ हमें ये सुनने मिलेगा कि लता जी अब नहीं रहे। सर आपका तो, कुछ एक्सपीरियंस उनके साथ सॉन्ग का कुछ? मैंने सॉन्ग तो नहीं, मैं उतना नसीब उतना लकी तो हूँ नहीं कि उनके साथ कभी गाना गा पाऊँ, बट मैंने एक इंटरव्यू लिया था लता जी का, तो बहुत प्यार से उन्होंने एकदम अपने छोटे बच्चे की तरह मुझे अपना इंटरव्यू दिया था, एंड बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे प्यार किया, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद दिया। बस थैंक यू वेरी मच। सर आप उन्हें कैसे याद रख कैसे करेंगे? बस उन्हें मैं यार वही दुनिया उन्हें याद रखेगी। आई थिंक उनकी आवाज़ को दुनिया जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक यू नो लता दीदी का नाम रहेगा। थैंक यू। आप शिवाजी पार्क में मौजूद थे, आपकी आँखें भी नम थी। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच भाई।